हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम्यो स्टेशन। आज हम बात करेंगे एस्पिडोस्पर्मा के बारे में। एस्पिडोस्पर्मा ज़्यादातर लंग्स डिजीज में यूज़ होती है। एस्पिडोस्पर्मा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। एस्पिडोस्पर्मा के बारे में आपने सोशल मीडिया और न्यूज़ में बहुत सुना होगा। एस्पिडोस्पर्मा को हम एस्मा की कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्पिडोस्पर्मा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। अगर हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है या हमारी पल्मोनरी वेसल्स के अंदर कोई थ्रोम्बोसिस या स्टेनोसिस हो चुका है तो उसको भी क्लियर कर सकती है। एस्पिडोस्पर्मा हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को भी इम्प्रूव करती है। एस्पिडोस्पर्मा हमारे ब्रेन से रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को एक्टिवेट कर देती है और जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। आजकल कोरोना काल में भी ऑक्सीजन की कमी के रहते एस्पिडोस्पर्मा को बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, एस्पिडोस्पर्मा को अपने होम्योपैथ की सलाह के बिना बिल्कुल ना लें। एस्पिडोस्पर्मा को हम एज अ लंग टॉनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पॉल्यूशन की वजह से या सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आपके लंग्स में अगर टार कलेक्ट हो चुका है या फिर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, थोड़ा सा चलने के बाद आपको आपकी सांस फूल जाती है या आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, तो आप एस्पिडोस्पर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको क्रोनिक अस्थमा है तो आप उस कंडीशन में भी एस्पिडोस्पर्मा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पल्मोनरी वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोसिस यानी कि थक्के जम गए हैं तो तब भी आप एस्पिडोस्पर्मा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पल्मोनरी वेसल्स में स्टेनोसिस हो चुका है यानी आपके पल्मोनरी वेसल्स दब गए हैं, तब भी आप एस्पिडोस्पर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्पिडोस्पर्मा हमारे ब्रेन के अंदर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और जिसकी वजह से उस स्टिमुलेशन की वजह से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो एक्टिवेटेड हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करने लगता है। एस्पिडोस्पर्मा को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी होम्योपैथ की सलाह के बिना बिल्कुल ना लें। एस्पिडोस्पर्मा को लेने का तरीका यह है कि अगर आपको क्रोनिक अस्थमा है तो आप आधे कप गुनगुने पानी में 15 से 20 बूंद ले सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या आपकी सांस जल्दी फूल जाती है, तब भी आप एस्पिडोस्पर्मा को आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ